जय माता दी फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कैसे हो आप सब? तो आज 21 है और सिवा का आज से एग्ज़ाम चालू है, बोर्ड का तो 10 में है। तो वही आज सुबह सुबह तो उठ के सब काम वाम करके सिवा और उसके पापा गए थे मंदिर, और 10 बजे से था तो मंदिर जाके आ गए। और वो इस सिवा को छोड़ने में भी गई, तो सोचा कि आज फर्स्ट डे है तो सिवा को छोड़ने गए प्रीति के पापा और मैं, फिर छोड़ के आए हैं तो अभी अच्छा लग रहा है। तो जा रही हूँ, अब थोड़ा सा चाय पीऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी थोड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सबके मम्मी पापा सब आए हैं बच्चों को छोड़ने। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है सब पेरेंट्स के लिए। तो देखते देखते बच्चे 10 में पहुँच गए, मेट्रिक का बोर्ड का एग्ज़ाम भी आ गया उनका। तो यहाँ पे देखिए सिवा, उनके ट्यूशन का टीचर भी आए थे छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर। तो यहाँ पे देखिए, अभी अभी मैंने कट किया ये लौकी, आलू और इसमें मटर मिक्स करके सब्ज़ी बना लूँगी। और इसमें आलू बैंगन की सब्ज़ी एक बना लूँगी, हो जाएगा। और ये हम लोग जब गए थे ना जगन्नाथ जी, तो वहाँ प्रसाद मिला, उसे टोकरी गए है तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे पीटी पापा लेके आए थे रसगुल्ला, गुड़ वाली, ये देखिए। तो मैंने खाया नहीं है, खाऊंगी अभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चाय पी ली, चाय पी के मूड फ्रेश हो गया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, लौकी, आलू और मटर, हरा मटर उबाल ली हूँ मैं 2 सीटी लगा के, उसके बाद छौंकेंगे सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे 5 फ़ोरन और तेज़पत्ता डाल दी हूँ सरसों के तेल में, और एक पूरा प्याज नहीं है, आधा ही है, तो उसको डाल के और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और इसमें ज़्यादा मसाला नहीं जाता है, बहुत टेस्टी बनता है और अच्छा लगता है लौकी की इस तरह की सब्ज़ी। और देखिए, मैंने बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब मैंने उसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। उसके बाद इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर डाला मैंने, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और इसमें जीरा पाउडर, इसमें थोड़ा सा कम है, अभी डालना होगा, है पैकेट नया वाला तो अभी डालेंगे। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी ये देखिए लौकी और हरा मटर और आलू, इस तरह से कट करके और 2 सीटी लगा लीजिए, उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें जो मैंने उबाला जो पानी, उसको मैंने फेंका नहीं है, मैंने रखा है छान के, इसको थोड़ा सा मैं भून लूँ, उसके बाद उसी पानी का यूज़ करेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखिए, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे किचन किंग मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। किचन किंग है वैसे भी, आप सब्ज़ी में डालिए, बहुत अच्छा है उसमें, मतलब टेस्ट ला देता है, तो अच्छा लगता है, मैं डालती हूँ ज़्यादातर। और इसके बाद डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। टमाटर डाल देंगे, एक बड़ा सा टमाटर था तो उसको मैं आधा ही ली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ, तो आधा टमाटर डाल दी। और इसको भून लेंगे जब तक टमाटर ना गले। और उसके बाद धनिया पत्ता भी है, अभी काट उट के रख दूँगी। और ये देखिए, यही पानी है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी मिक्स कर ली हूँ, लौकी जो मैंने उबाला था वही पानी है। तो इसको डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे इसको अच्छी तरह से, ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, थोड़ा सा देखिए पक गया है। और इसमें लास्ट में डाल देंगे धनिया का पत्ता, और ये सब्ज़ी बन के तैयार है, चावल और या रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर, और इस तरह से बनाने से प्रीति भी खा लेती है, वरना लौकी नहीं खाती है। तो यहाँ पे बन गया सब्ज़ी, और इसको मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में, फिर इसी कढ़ाई को मैं धो के, और फिर इसी में और आलू बैंगन भी बनाऊँगी सरसों वाली, तो आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो कढ़ाई है, लेकिन जितना ज़्यादा निकालूँगी फिर धोने में और प्रॉब्लम होगा, और यहाँ पे वैसे भी जगह नहीं है, बहुत छोटा सा है मेरा स्लेब किचन वाला, तो ज़्यादा बर्तन हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ पर कढ़ाई खाली कर ली हूँ और सब्ज़ी निकाल दी हूँ, और इसको रख दूँगी ढक के, और दिखा रही थी मैं आप सबको, और हो गया। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई को धो ली हूँ हल्का सा, उसके बाद इसमें आलू बैंगन की सब्ज़ी को मैं छौंक देती हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आलू बैंगन की सब्जी छौंक दी हूँ और बार बार मैं ऊपर नीचे करती हूँ, नीचे में पीड़ा रखा हुआ है और स्लेब बहुत ऊँचा है तो मैं नीचे पीड़ा रखती हूँ, इसीलिए कभी ऊपर जाती हूँ कभी नीचे, वैसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सामान लाए थे राशन का, तो वही मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पे दाल चावल और मसूर का दाल और चना का दाल मंगाई थी, और ये सब थोड़ा सा मसाला वसाला है वही सब, और चावल ख़त्म हो गया था तो चावल लाए हैं, तो ये शायद 5 किलो वाला है तो उसको, और मूढ़ी मंगाई थी, मूढ़ी लड्डू बनाना है तो वही मैं मंगाई हूँ, तो बनाएंगे एक दिन लड्डू। और यहाँ पे चावल ख़त्म हो गया था, ले जाके उसको मैं उसके जगह पे बाल्टी में डाल दूँगी और बाकी सबको भी रख दूँगी उसके जगह पे। उसके बाद हो ही गया है और मेरा सब्जी भी बनने वाला है, तैयारी है, बच्चे आएंगे स्कूल से। आज मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है हमारे यहाँ, बादल बादल सा छाया हुआ है। तो खाना बन गया है, अभी देखिए 1:30 बज गया, शिवा का पेपर भी ख़त्म हो गया होगा। और हमारे यहाँ मौसम बहुत बारिश बारिश टाइप का किया हुआ है, सो के दिखाती हूँ, धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए इतना सारा कपड़ा भी धो के सुखाई हूँ और सूख गया है, एक दिन पहले का ही कपड़ा है तो अभी सूख गया, और मौसम देखिए बारिश होगा शायद। तो फ्रेंड्स ब्लॉग यहीं तक रखेंगे, और आप सबको कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलेंगे।